नोटबंदी के बाद चपेट में आया 10 रुपए का सिक्का, व्यापारियों ने अपने स्तर पर ही किया लेना बंद। छोटे दुकानदारों के पास लग रही है 10 के सिक्कों की ढेरी, कोई नहीं लेने वाला, बट्टे वाले काट रहे हैं चांदी। नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, ये सवाल तो आज तक बहस का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी मार 10 रुपए के उन सिक्कों पर पड़ी जो अघोषित रूप से बंद हो गए हैं। केंद्र सरकार ने कई बार कह दिया कि 10 रुपए का सिक्का पूरी तरह वैध है और दूसरे अन्य सिक्कों की तरह चलन में है, बावजूद इसके व्यापारियों ने अपने स्तर पर ही इस सिक्के को बंद कर दिया। बड़े व्यापारियों द्वारा इन सिक्कों को नहीं लेने के कारण हालात ये है कि छोटे व्यापारियों के पास 10 रुपए के सिक्कों का इतना ढेर लग गया है कि उन्हें बोरियों और थैलियों में रखना पड़ रहा है। अघोषित रूप से बंद हुए 10 के सिक्के को ना तो कोई बड़ा व्यापारी ले रहा है और ना ही छोटे दुकानदार। वहीं इसकी आड़ में नोट और सिक्के बदलने वाले 12 से 15% बट्टा काटकर चांदी काट रहे हैं। नियमों के अनुसार कोई भी दुकानदार लोगों से इस सिक्के को लेने से मना नहीं कर सकता, फिर भी बाजार में ऐसी स्थिति है कि जिसके पास 10 का सिक्का है उसे कोई सामान नहीं मिलेगा। 10 रुपए के सिक्के के मामले में लोग कानून की धज्जा उड़ा रहे हैं। हाँ, जो 10 के सिक्के हैं जो गवर्नमेंट ने चालू कर रखे हैं, बिल्कुल वो व्यापारी ले ही नहीं रहे हैं और नहीं है। जैसे 1 और 2 के सिक्के हमारे मार्केट में आ रहे हैं, छोटे व्यापारी सब, हम तो व्यापारी छोटे व्यापारी हैं, 1-2 सिक्के मार्केट में लेते नहीं है, वो 10 रुपये बट्टे मांग रहे हैं सब के सब। तो ना क्या किया जाए, जबकि गवर्नमेंट चाहती है कि 1 और 10 के सिक्के चले, 5-10 के सिक्के भी चले, फिर भी नहीं मना कर रहे हैं, नहीं देते हैं। एक दो के सिक्के भी नहीं ले रहे हैं, वो भी 10% के बट्टे पर ले रहे हैं, 10% बचत नहीं इसके अंदर, क्या किया जाए इसका बताओ आप। जबकि गवर्नमेंट ने बता रखा कि 10 के सिक्के चलेंगे, 1 और 2 के चलेंगे, हाँ नरेंद्र मोदी ने खुद बोला कि चलेंगे, पर फिर भी नहीं मान रहे व्यापारी, लोग नहीं ले रहे हैं, कोई भी नहीं ले रहे हैं बड़े व्यापारी आ रही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 500,000 के नोट बंद कर दिए, लेकिन सिक्कों की समस्या का आज भी समाधान नहीं हुआ है। 10 के सिक्के मार्केट में चलते ही नहीं है, बैंक वाले नहीं लेते हमसे, और मार्केट वाले कम पैसे में लेते हैं, लेते तो 10 का सिक्का 5 रुपये मांगते हैं, और 1-2 के सिक्के से इतनी परेशानी हो रही कि भरपूर मात्रा में आ रहे हैं और उसको लेने वाला कोई नहीं है, और इसको बट्टे पे लेते तो 10 रुपये कम में लेते हैं, 100 रुपये माल लेते हैं तो 90 रुपये मानते हैं सिक्कों को, 90 मानते हैं सिक्कों को, 100 के सिक्कों को 90 मानते हैं, तो समझ लो कि हमारे को तो कमाई गई, इधर से भी कमाई गई उधर से भी कमाई गई, हमारा नुकसान होता, काफ़ी नुकसान हो रहा है। ज़्यादातर बच्चे व्यापार में सिक्के लेके आते हैं, उन सिक्कों की कोई कदर नहीं है, मतलब लेने वाला कोई नहीं है सिक्कों, आगे व्यापार लोग 500 के 1,000 के नोट मांगते हैं, वो 10 के सिक्के 5 के सिक्के 2 के सिक्के 1 के सिक्के लेते नहीं कोई,